टांडापुर पुलिस ने आज फिर अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए 70 लीटर कच्ची शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। टांडा बरूड थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लववंशी ने पुलिस टीम को साथ लेकर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरखली के पास कुंदा नदी किनारे से कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त की। आरोपी घटिया पिता शेरू भिल कच्ची शराब बनाते दिखा, जिसे पकड़ना चाहा तो नदी में गहरे पानी में कूदकर कुम्हार खेड़ा थाना कोतवाली तरफ भाग गया। भट्टी के पास से 5 प्लास्टिक के डिब्बों में भरी 70 लीटर हाथ भट्टी महुआ कच्ची शराब कीमत 10,500 एवं शराब बनाने की सामग्री जब्त की। वहीं 20 प्लास्टिक के डिब्बों से 500 लीटर महुआ लहान कीमत 5,000 रुपए का नष्ट किया। फरार आरोपी घटिया पिता शेरू भील उम्र 32 वर्ष निवासी कुम्हार खेड़ा के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बरूर से रुपेश प्रजापत की रिपोर्ट। सर, आज फिर उमरखली क्षेत्र से अवैध शराब पकड़ी गई है, क्या है सर पूरा मामला? हाँ, आज सुबह 7 बजे पुलिस थाना बरूड की पुलिस टीम के द्वारा अवैध शराब की सर्चिंग की गई, तो उमरखली गांव के पास नदी किनारे एक व्यक्ति एक भट्टी पर शराब बनाते हुए दिखा, जिसको पुलिस के द्वारा एवं पंचों के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ना चाहा, लेकिन नदी के गहरे पानी में कूदकर तैरकर नदी के उस पार हो गया और कुमार बड़ा तरफ भाग गया। उसका नाम है घटिया पिता शेरू भील, उम्र 35 साल निवासी कुमार बेड़ा। उस घटना स्थल भट्टी के पास से 5 डब्बों में 70 लीटर अवैध महुआ कच्ची शराब जब्त की गई है, एक हंडा जब्त किया गया है और भट्टी के अवैध शराब निर्माण संबंधी सारी सामग्री जब्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी की तलाश की गई है, जो अभी फरार है, मिलने पर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।